खबर कटिहार से है, जहां मनिहारी थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर तेसारी टोला में शादी समारोह चल रहा था, जहां डीजे की धुन पर सभी लोग नाच रहे थे। इसी बीच अचानक सन्नाटा छा गया। दरअसल शादी समारोह में डीजे की धुन पर नाच रहे लोगों के बीच युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी और फायरिंग में एक गोली नाच रहे युवक के पांव में जा लगी और वहीं आनन फायरिंग में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सदर अस्पताल में गोली निकालने के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस फायरिंग करने वाले शख्स की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। शादी था, शादी के मामले साइड में खड़े थे और कैसे लगा गोली, जब लगा तब हमको पता चला और हम यहाँ शादी बाहर गए, कौन चलाया कैसे चलाया हमको पता नहीं। शादी का विजय बाज था, सरवान यादव ने चलाया। अच्छा, उसके साथ सरवान यादव कौन है? बराड़ी प्रखंड है, थाना चांदपुर घर के। अच्छा, आप देखे थे गोली चलाते हुए? शादी था, किनका शादी था वहाँ पर? आपका लड़का का साला है, काहे गोली चलाया सरवान यादव? काहे बाज रहा था, सभी आदमी आया, माहौल बहुत ज़्यादा था, मतलब प्रशासन प्रशासन को फोन किए ऐसा ऐसा घटना हुआ, इसलिए बोला कि जो चल इलाज करा। खबर कटिहार से है, जहां मनिहारी थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर तेसारी टोला में शादी समारोह चल रहा था, जहां डीजे की धुन पर सभी लोग नाच रहे थे। इसी बीच अचानक सन्नाटा छा गया। दरअसल शादी समारोह में डीजे की धुन पर नाच रहे लोगों के बीच युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी और फायरिंग में एक गोली नाच रहे युवक के पांव में जा लगी और वहीं आनन फायरिंग में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सदर अस्पताल में गोली निकालने के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस फायरिंग करने वाले शख्स की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। शादी था, शादी के मामले में साइड में खड़े थे और कैसे लगा गोली, जब लगा तब हमको पता चला और हम यहाँ शादी बाहर गए, कौन चलाया कैसे चलाया हमको पता नहीं। शादी का विजय बाज रहा था, सरवान यादव ने चलाया। अच्छा, उसके साथ सरवान यादव कौन है? बराड़ी प्रखंड है, थाना चांदपुर घर के। अच्छा, आप देखे थे गोली चलाते हुए? शादी था, किनका शादी था वहाँ पर? मेरा लड़का का। आपका लड़का का साला है, काहे गोली चलाया सरवान यादव? काहे विजय बाज रहा था, सभी आदमी आया, माहौल बहुत ज़्यादा था, मतलब प्रशासन प्रशासन को फोन किए ऐसा ऐसा घटना हुआ, इसलिए बोला कि जो चल इलाज करा। खबर कटिहार से है, जहां मनिहारी थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर तेसारी टोला में शादी समारोह चल रहा था, जहां डीजे की धुन पर सभी लोग नाच रहे थे। इसी बीच अचानक सन्नाटा छा गया। दरअसल शादी समारोह में डीजे की धुन पर नाच रहे लोगों के बीच युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी और फायरिंग में एक गोली नाच रहे युवक के पांव में जा लगी और वहीं आनन फायरिंग में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सदर अस्पताल में गोली निकालने के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस फायरिंग करने वाले शख्स की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। शादी था, शादी के मामले में साइड में खड़े थे और कैसे लगा गोली, जब लगा तब हमको पता चला और हम यहाँ शादी बाहर गए, कौन चलाया कैसे चलाया हमको पता नहीं। शादी का विजय बाज रहा था, सरवान यादव ने चलाया। अच्छा, उसके साथ सरवान यादव कौन है? बराड़ी प्रखंड है, थाना चांदपुर घर के। अच्छा, आप देखे थे गोली चलाते हुए? शादी था, किनका शादी था वहाँ पर? मेरा लड़का का। आपका लड़का का साला है, काहे गोली चलाया सरवान यादव? काहे विजय बाज रहा था, सभी आदमी आया, माहौल बहुत ज़्यादा था, मतलब
कम की है, ऐसा घटना हुआ, उसने बोला कि जो चल इलाज करा। खबर कटिहार से है, जहां मनिहारी थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर तेसारी टोला में शादी समारोह चल रहा था, जहां डीजे की धुन पर सभी लोग नाच रहे थे। इसी बीच अचानक सन्नाटा छा गया। दरअसल शादी समारोह में डीजे की धुन पर नाच रहे लोगों के बीच युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी और फायरिंग में एक गोली नाच रहे युवक के पांव में जा लगी और वहीं आनन फानन में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सदर अस्पताल में गोली निकालने के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस फायरिंग करने वाले शख्स की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। शादी था, शादी के मामले में साहब ने खड़े थे और कैसे लगा गोली, जब लगा तब हमको पता चला और हम यहाँ शादी में आए थे, बाहर गए चलाया, कैसे चलाया ये हमको पता नहीं। शादी का सरवन यादव ने चलाया, अच्छा उसके साथ सरवन यादव कौन है, बराड़ी प्रखंड है, अच्छा आप देखे थे गोली चलाते हुए। शादी था, किनका शादी था वहाँ पे, आपका लड़का का साला है, काहे गोली चलाया सरवन यादव, काहे वीडियो में बाजरा था, सभी आदमी आया माहौल बहुत ज़्यादा था, मतलब प्रशासन प्रशासन को फोन की ऐसा ऐसा घटना हुआ, उसने बोला कि जो चल इलाज करा। खबर कटिहार से है, जहां मनिहारी थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर तेसारी टोला में शादी समारोह चल रहा था, जहां डीजे की धुन पर सभी लोग नाच रहे थे। इसी बीच अचानक सन्नाटा छा गया। दरअसल शादी समारोह में डीजे की धुन पर नाच रहे लोगों के बीच युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी और फायरिंग में एक गोली नाच रहे युवक के पांव में जा लगी और वहीं आनन फानन में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सदर अस्पताल में गोली निकालने के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस फायरिंग करने वाले शख्स की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। शादी था, शादी के मामले में साहब ने खड़े थे और कैसे लगा गोली, जब लगा तब हमको पता चला और हम यहाँ शादी में आए थे, बाहर गए चलाया, कैसे चलाया ये हमको पता नहीं। शादी का विजय बाजार सरवन यादव ने चलाया, अच्छा उसके साथ सरवन यादव कौन है, बराड़ी प्रखंड है, अच्छा आप देखे थे गोली चलाते हुए। शादी था, किनका शादी था वहाँ पे, आपका लड़का का साला है, काहे गोली चलाया सरवन यादव, काहे वीडियो में बाजरा था, सभी आदमी आया माहौल बहुत ज़्यादा था, मतलब प्रशासन प्रशासन को फोन की ऐसा ऐसा घटना हुआ, उसने बोला कि जो चल इलाज करा।